everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to do class 10th English NCERT chapter number 3 first flight, two stories about flying. Book ka name bhi first flight, ye bhi flying ka chapter and it's very interesting chapter. Aur is video mein hum is chapter ko study karenge bilkul thoroughly. इस चैप्टर में टू स्टोरीज बेस्ड है फ्लाइंग पे ही. नंबर वन इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लियाम ऑफ लर्टी द्वारा लिखी गई है एंड नंबर सेकंड इज़ ब्लैक एरोप्लेन दैट्स बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रीड करेंगे एंड विल लाइक जस्ट रीड इट थोरोली विद इट्स हिंदी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट इट. हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लिट. जो यंग सीगल था वो बिल्कुल अकेला था उस लिच पे. एक लिच होता है, एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होती है, मतलब पूरी बड़ी सी एक जगह है जहाँ पर आप कुछ लाइक एक एरिया है जहाँ पर छोटे छोटे से मकान, मतलब मकान नहीं बने होते, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रहती हैं. हिज टू ब्रदर्स और हिज सिस्टर ऑलरेडी एक दिन पहले ही फ्लाई कर चुके थे और उसको बहुत डर लग रहा था उड़ते हुए. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge, जैसे भी करके वो ब्रिंक तक गया लेज के एक छोटा सा अटेम्प्ट करने. ब्रिंक मतलब लेज का बिल्कुल कॉर्नर जहाँ उसे बहुत डर लग रहा होगा. ब्रिंक यू में से हेयर, ये तो लेज है जिसपे बर्ड्स हैं और ये बिल्कुल उसके जो कॉर्नर्स हैं वो ब्रिंक है, ठीक है. तो उसको बहुत डर लग रहा था एंड जब उसने अटेम्प्ट करा अपना विंग फ्लैप करना वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. मतलब बहुत नीचे उसके बहुत बड़ा सी था जिसे देख के उसे और भी डर लग रहा था. He felt certain that his wings would never support him. उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे. तो उसने अपना सिर झुकाया और वापस अपने जो होलेज में छोटा सा होल बना हुआ था जहाँ वो साई रात सोता था वहाँ चला गया. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जबकि उसके छोटे छोटे भाई बहन भी उड़ना सीख गए थे जिनके विंग्स उससे छोटे थे, वो भी ब्रिंक पे गए, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप करे और वो उड़ गए. पर वो उन्हें देखकर भी अपना करेज, मतलब अपने आप में अंदर ये साहस नहीं ला पा रहा था कि वो ये हिम्मत कर सके. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. उसके फादर और मदर उसके पास आ रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे और इवन थ्रेटन धमकी भी दे रहे थे कि तुम यहीं मर जाओगे लेज पे अगर तुम नहीं उड़े, कैसे भूख के मारे, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं ला के देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव. लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए वो नहीं चल पा रहा था, उसको लग रहा था वो मर जाएगा. That was 24 hours ago. ये 24 hours ago पहले की बात है. Since then nobody had come near him. तब तक उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, all day long, उस दिन से पहले पूरा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sister. पूरा दिन उसके parents जो थे पिछले दिन उसके brothers और sisters के साथ fly कर रहे थे, उनको flight की art में बिल्कुल perfect कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कैसे wave skim करते हैं, कैसे fish के लिए dive करते हैं. और उसने अपने बड़े brother को भी देखा था कि उन्होंने अपनी first fish कैच करी है और वो रॉक पे खड़े होकर बस देख रहा था, जबकि उसके पेरेंट्स भी उसके सर्कल के पास खड़े हुए थे और पूरी मॉर्निंग उसकी फैमिली जो थी उस पर एक प्लेट्यू पे घूम रही थी बिल्कुल, और उसको टॉन्ट कर रहे थे सब उसकी कवर्ड आइज के लिए, उसकी निर्भरता के लिए, मतलब कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, कायरता कह सकते हो ना उसके डर की वजह से, कि मतलब वो इतना भी नहीं कर पा रहा कितना डरपोक है. अब सन जो था स्काई में आ गया, मतलब स्काई में आ रहा था ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, क्योंकि बिल्कुल जो साउथ की तरफ फेस कर रहा था उसको भी गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था, पूरी रात बीत गई थी. ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज. वो धीरे धीरे ब्रिंक से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था. एक लेग तो उसकी ब्रिंक के बाहर थी और दूसरी लेग उसके विंग के पीछे छुप गई थी. उसने पहले अपनी एक आय बंद करी फिर दूसरी बंद करी, कोशिश कर रहा था वो उड़ने की एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप. वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, सॉरी, वो ऐसे दिखा रहा था कि वो गिरने वाला है बेहोश होके. तो फिर भी उसकी किसी ने भी उस पर नोटिस नहीं करा, वो इसलिए दिखा रहा था जैसे कोई उसे खाना दे दे. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स्ट. उसने अपने दो ब्रदर्स और सिस्टर को देखा जो प्लेट्यू पे थे, अपने हेड्स उसके साथ खेल रहे थे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द, मतलब उसके फादर्स जो थे अपने फेदर्स को मेंटेन कर रहे थे. शी वॉज ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी मम्मा उसे देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. वो थोड़े से ही हम, मतलब थोड़ी सी दूर प्लेट्यू पे थी खड़ी थी. और नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट अ फीट. अच्छा, फिर उन्होंने क्या करा, उनके पास ना एक फिश का पीस था जो कि उनके फीट पे गिरा हुआ था. एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. उन्होंने उसको उठाया. द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. और उसको देखते ही जो यंग सीगल था वो पागल हो गया खाना देखते ही. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बेट इट. मतलब उसके मुँह से ना लाइक वो अपने बीट, मतलब मुँह में बिल्कुल जैसे कि टंग को इधर उधर स्क्रैप कर रहा था कि बस ये आ जाए मैं फटाफट इसे खा जाऊँ.
गा गा गा, मतलब अपनी शार्पन कर रहा था अपने उसको, गा गा गा, वो रोने लग गया, प्लीज़ मेरे पे फूड ले आओ। तो उसकी मम्मा ने भी चला के कहा गाओ काला, लेकिन वो बुलाता रहा, उसकी मम्मा ने उसको नहीं दिया। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसको लगा उसकी मम्मी बिल्कुल उसके पास आ गई थी, बिल्कुल उसके सामने आ गई थी, उसको लगा था उसकी मम्मी उसको दे देंगी ये आउट कि उसको फिश का पीस मिल जाए। ईगर्ली मतलब वो वहाँ तक गया, उनके पास गया, उसकी मम्मा जस्ट उसके सामने खड़ी थी, सामने तक आ गई पर वो रुक गई, नहीं दिया, विंग्स रोक दिए। द पीस ऑफ फिश इन अ बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो जो बीक में उनकी पीस था बिल्कुल उसके उस तक पहुँचने वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक मिनट रुका वंडरिंग व्हाई शी डिडंट कम नियरर, वंडर कर रहा था क्यों पास नहीं आ रही है, मतलब खाने से वो पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश और वो फिश पे कूद गया और बहुत तेज चिल्लाया, बहुत तेज, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, बहुत डर गया था, उसका हर्ट तो बिल्कुल जैसे कहीं दिल उसका बैठ ही गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ एक मिनट तक ये रहा। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, विंग्ड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर्स देन अंडर हिज स्टमक, और उसी टाइम उसको फील हुआ कि उसके विंग्स उड़ सकते हैं, जो एयर को काट रहे हैं, हवा को, वो नीचे नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और उसके पंख उड़ने लग गए और वो ऊपर आ रहा है, उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, मतलब उसको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आई कि मतलब उसे ऐसा लग रहा था पहले तो कि वो अपना बैलेंस खो देगा, पर अब उसने अपने विंग्स फ्लैप करे और फिर वो मतलब सोर करा, गा 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 कौ का, उसकी मतलब उसकी मम्मा भी चिल्लाई उसके पीछे, मतलब उनके विंग्स भी बहुत नॉइस कर रहे थे। उन्होंने ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, उन्होंने फिर अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने आपस में बात करी जो भी उनकी लैंग्वेज होती है। फिर उसके फादर आए अपनी स्क्रीमिंग करते हुए, उसने अपने दो ब्रदर्स और सिस्टर को देखा कर्वटिंग, पैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग करते हुए, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो फिर पूरी तरह भूल गया कि एक दिन वो भी था कि जब वो बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा था, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर इन कर्व श्रीकिंग श्रीली, और वो बहुत खुश था। ही वॉज नियर द सी ना, वो समुद्र के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रेटली फ्लाई कर रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज पीक साइडवेज एंड केव्ड अम्यूज्डली। तो अब वो वहाँ गया, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो हर चीज़ देख रहा था, घूम रहा था, उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स सिस्टर्स भी अब वो ग्रीन फ्लोरिंग एरिया पे आ गए थे, देवर बिकॉनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली, उसको बुला रहे थे। उसने अपनी वहाँ पर ग्रीन सी देखा, उसने उसके पैर उसमें डूब गए, वो बहुत तेज चिल्लाया और फिर उसने कोशिश करी कि वो अपने विंग्स उठाए, फिर से ऊपर उठे और वो उठने लगा, पर अब वो थक गया था और उसको बहुत भूख लग रही थी, अब वो उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो हिज फीट सैंक इन द ग्रीन सी, उसके फीट उसमें ग्रीन सी में फिर से सैंक हो गए, एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसकी जो बेली थी ना, मतलब स्टमक में एक चीज़ होती है, उसने उसे टच करा और फिर वो आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था, एंड अराउंड हिम फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, उसको प्रेस कर रही थी, और उसकी जो बीक्स थी उनकी सबकी बीक्स में उसके लिए डॉग फिश थी जो वो उसको ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो फाइनली वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट बना चुका था, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी। आप देखो कितना अच्छा था, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली, पहले वो कितना डर रहा था कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट फाइनली ही डिड हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू मस्ट डू देम इन एनी क्वेरी यू मे आस्क। तो नेक्स्ट पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, फॉर दिस वीडियो ओनली हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो आप कमेंट में पूछना मत भूलना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।